आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शुरू करते हैं वो चीज जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए क्लासेस में नहीं ले पाता था। आज सेवन सेमेस्टर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सेवन सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करें, तो उस पढ़ाई कैसे करें में तो हम लोग बताया था तो चार सब्जेक्ट हैं और चारों से इम्पोर्टेंट कौन है। आज चारों में से पहला सब्जेक्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, यानी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस आपने इससे पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और इसके बाद आपने बीच में एक बार कहीं और पढ़ा होगा, आपने दो पार्ट एनालिसिस का पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रीफ लेते हैं कि एनालिसिस क्या होता है, अगर आपको उसकी चीज पता हो एनालिसिस क्या होता है। जैसे आपको शादी करनी है तो आप लड़की देखने जाते हैं, तो आप पहली मुलाकात जब उससे मिलते हैं अपने घर वालों के साथ नाश्ता पानी होता है, चाय वगैरह होता है, तो आप जब घर आते हैं तो आप उसकी एनालिसिस करते हैं कि लड़की कैसी थी, उसकी फैमिली वाले कैसे थे। समझ आ गया? जैसे कि आप कोई खाना बना रहे हैं, आप खाना बनाते हैं तो बनाते समय आप उसको बीच में खोल कर चेक करते हैं या टेस्ट करके चेक करते हैं कि नमक कैसा है, मिर्च कैसा है, पक गया है कि नहीं पक गया है, वो भी एक तरह की एनालिसिस। यानी एनालिसिस का मतलब हम कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी ड्रग सैंपल का क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो एनालिसिस कहलाता है। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल तौर पे आपसे कहूं कि अगर आप बाजार से 10 समोसा खरीद के लाए और 10 समोसा खरीद के लाए, आपने काउंट किया कि 10 समोसा है कितना ग्राम वजन है, कितना किलो है, वो उसका क्या है क्वांटिटेटिव कि कितना अमाउंट है, और अगर उसका समोसे का स्वाद कैसा है, नमक मिर्च कैसा है, फ्राई है कि नहीं फ्राई है, पका है कि कच्चा है, बासी है कि ताजा है, चटनी अच्छी है खराब है, दिस इज क्वालिटी। यानी जहां पे भी हम कुछ चीज उसके कलर रंग ऑर्डर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं वो क्वालिटेटिव है, और जब उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं दिस इज क्वांटिटेटिव है। तो हम लोग को क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है इस पूरे सब्जेक्ट। तो आपको याद होगा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि किसी भी ड्रग सैंपल का, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सैंपल है, या हमने कोई एक सैंपल हमारे पास इस ड्रग का है, इसमें कुछ ड्रग सैंपल है, दिस इज ड्रग सैंपल, और हमको ये बताना है कि इस ड्रग सैंपल में कितना परसेंटेज हमारा ड्रग है। जैसे मैंने मान लिया कि ये ड्रग सैंपल हमारा एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन की प्योरिटी कितनी है, 99% है कि 98% है, 97 है, 96 है, या कितना है और कितनी क्वांटिटी है कि उस ड्रग सैंपल में, जैसे मैंने कहा कि 5 ग्राम ड्रग सैंपल है, तो उस 5 ग्राम ड्रग सैंपल में एक्चुअल जो ड्रग कंटेंट है वो कितना है, 100% है, 90% है, 70%, 80% है, यानी उसकी क्वांटिटी को डिटरमाइन करना इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था टाइट्रेशन मेथड पढ़ा था, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, एम्पलीट्यूड टाइट्रेशन, है ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, अलग अलग मेथड से हम लोग करते हैं। आज की क्लास में यानी सेमेस्टर में जितने भी आपको जितने भी मेथड पढ़ने हैं पूरे पांचों यूनिट में, वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। तो हमारा पहला हेडिंग है, पहला टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि व्हाट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इस बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि एनालिसिस हम कैसे करें। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब अगर देखा जाए तो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है स्पेक्ट्रम और दूसरा है स्कोपी। स्कोपी का मतलब होता है टू डिटरमाइन, यानी किसी भी चीज का पता लगाना, और स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट, यानी प्रकाश की सहायता से अब हम किसी ड्रग का क्वांटिटी पता करेंगे, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेफिनेशन क्या हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन ऑफ एनी सैंपल विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, या विद द हेल्प ऑफ लाइट की सहायता से। अब आप कहेंगे यार लाइट की सहायता से हम कैसे कर सकते हैं भाई, अभी तक एनालिसिस करते थे टाइप वन एसिड टेस्ट था, तो कोई सैंपल लेते थे, आपको याद होगा एक टाइट्रेट था, एक टाइट्रेट था, एक टेस्ट था, एक सैंपल था, स्टैंडर्ड की हेल्प से टेस्ट को मालूम करते थे, यहां तो हमने स्टैंडर्ड कुछ रखा ही नहीं। अब मैं आपसे कहूं कि जैसे कि आपने कोई सैंपल लिया, ये हमारा अननोन सैंपल है जिसमें हमको नहीं पता है कि हमारा ड्रग कितना है, और हमने कहा कि इस सैंपल में हम एक साइड से टॉर्च मारेंगे, हमने कहा कि इसमें हम एक साइड से टॉर्च मारेंगे, टॉर्च की रोशनी जाएगी और इस रोशनी से हम बता देंगे कि इसका कंसंट्रेशन कितना है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, सोचिए कुछ नहीं लेना है, हम टॉर्च मारेंगे और टॉर्च मारेंगे यानी हम लाइट देंगे, लाइट, और लाइट के द्वारा हम पता कर लेंगे इसमें सैंपल कितना है।
इतना आसान टेक्निक है और इतना कठिन टेक्निक है, इतना भी आसान नहीं कोई टास्क मारेंगे तो काम हो जाएगा। इसके लिए बहुत सारे मेथड्स लगाने पड़ेंगे, कई कई टेक्निक्स लगानी पड़ती है, उसके द्वारा करेंगे। तो जब हम यूवी पढ़ेंगे, आईआर पढ़ेंगे, एनएमआर पढ़ेंगे, तो सब में हम जानेंगे कि कैसे लाइट मार करके किसी भी सैंपल का कंसेंट्रेशन पता कर लेते हैं। कुल मिलाकर लाइट मारने वाली बात है, इसलिए नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रम की हेल्प से यानी लाइट की हेल्प से टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ द सैंपल विद द हेल्प ऑफ लाइट। द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक ऑफ एनालिसिस बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सैंपल विद द हेल्प ऑफ लाइट। This is called spectroscopy. First करो। तो अब हम बात करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे लाइट की हेल्प से हम डिटरमाइन करेंगे। देखिए जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाओगे, आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन क्लियर हो जाएगा, सारा फोकस क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि लाइट में ऐसा क्या होता है। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लिया, लाइट में ऐसा क्या होता है कि जिससे हम किसी भी चीज का कंसेप्ट पता कर सकते हैं। देखिए लाइट एक्चुअल में क्या है, जो हम लाइट की बात करते हैं वो लाइट एक्चुअल में क्या है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ध्यान सुनिएगा, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो लोग नोट्स बना रहे साथ साथ में वे काम करेंगे, अगली हेड पहली हेडिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने ले लिया, आपकी दूसरी हेडिंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्चुअल में जो लाइट, जो सूर्य की किरण हमारे पास आती है, जो बल्ब की रोशनी हमारे पास आती है, जो दिन में उजाला होता है, एक्चुअल में जो लाइट्स आती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। उसमें छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसको फोटोन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा फोटोन। हमको सूर्य की रोशनी से एनर्जी कैसे मिल जाती है, पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से एनर्जी से खाना कैसे बना लेते हैं, हमारे कपड़े कैसे सूख जाते हैं, सोलर बैटरी चार्ज कैसे हो जाती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एनर्जी है। और जो लाइट के अंदर एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ किसकी होती है, फोटॉन से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लाइट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विच द डिस्क्रीट सीरीज ऑफ पैकेट्स ऑफ फोटॉन या पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटॉन्स। यानी लाइट जो है बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स है, और हम उस एनर्जी के सोर्स की हेल्प से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी अननोन सैंपल का कंसेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो एक्चुअली लाइट्स होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी उसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन भी है और मैग्नेटिक रेडिएशन भी है, एक साथ है। यानी अगर हम आपसे ये बात कहें कि ये हमारा कोई एक लाइट है, एक लाइट वेव है जो हमको सीधी लाइट दिखाई दे रही है, तो उसमें आप देखेंगे उसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन भी कुछ इस तरह से होता है, इस तरह चलता है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक रेडिएशन और दूसरे साइड में इस तरह चलेगा, यानी एक पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल, वो आपका है मैग्नेटिक रेडिएशन। यानी दिस इज मैग्नेटिक रेडिएशन एंड दिस इज इलेक्ट्रिक रेडिएशन। यानी हम इसको इस तरह समझेंगे ये हमारी लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर नीचे जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रिक है, और जो ऐसे है हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, मैग्नेटिक है। यानी एक हॉरिजॉन्टल रेडिएशन होता है, एक मैग्नेटिक, तो दोनों के पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं। अब हम किसी लाइट की कुछ और बातें अगर हम करना चाहें, तो हमें पता है कि जो भी लाइट होती है उसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ। सभी लाइट की अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, ये लाइट इस तरह से मूव करता है, आपको पता होगा। तो जो ये लाइट क्या है, इस तरह से मूव करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पॉइंट से लाइट ने शुरू किया, ये चक्कर ये लगाया और फिर एक चक्कर ये लगाया, तो जाके इसका लाइट का ये एक साइकिल पूरा हुआ, शुरू किया और खत्म किया। यानी एक चक्कर ऊपर और एक चक्कर नीचे करने के बाद इसकी एक पूरी लाइन पूरी हुई। अगर इसको हम इस तरह समझें कि यहां से शुरू किया और यहां पे आके खत्म हुआ, तो ये एक चक्कर पूरा हुआ। उसी तरह से इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आते आते इसने एक चक्कर पूरा। तो एक चक्कर यानी वन साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है, जितना सेकेंड लगता है, माइक्रो सेकेंड लगता होगा, मिली सेकेंड लगता होगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको बी से या न्यू से डिनोट करते हैं। किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, दो चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक साइकिल पूरा करने में लाइट, क्योंकि लाइट लगातार मूवमेंट करता है, जब प्रकाश आता है तो लगातार गति करता है, तो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो एक चक्कर पूरा करने में, यानी एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब किसी में, अब मैं अगर आपसे कहूं, देखिए अलग अलग स्ट्रक्चर आप देखिएगा,
डिफरेंस आपको दिख रहा है, मतलब तीनों डिफरेंस क्या दिख रहा है। इसमें एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लग रहा है, इसमें एक चक्कर लगाने में कम समय लग रहा है, इसमें एक चक्कर लगाने में और कम समय लग रहा है। यानी जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको उतना कम समय लगेगा एक साइकिल पूरा करने में, और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसको उतना, मतलब जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उसको उतना ज्यादा समय लगेगा। यानी ज्यादा डिस्टेंस है तो मतलब बहुत समय लग रहा है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम है, और जो स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, तेज लाइट होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम समय में एक साइकिल पूरा कर लेगी। अब आप चीज समझिए, हमने पढ़ लिया फ्रीक्वेंसी, अगली बात है वेवलेंथ। देखिए जब भी कोई लाइट मूव करता है तो एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, नीचे की जो दिख रहा है वो पीक, तो एक पीक से लेकर दूसरे पीक की जो डिस्टेंस है, किसी भी लाइट में एक पीक से लेकर दो पीक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा, या उसी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो दो चीज हमने समझ लिया, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज द वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, लो डाल दो, इनके डाल दो इसमें। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आप इसको समझिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जब कोई लाइट सोर्स एक साइकिल जितनी देर में पूरा करती है, इसको हमेशा डिनोट करते हैं हर्ट्ज में, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, और जो वेवलेंथ होता है उसकी यूनिट होती है नैनोमीटर, एनएम। तो एक चीज क्लियर हो गया कि जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए अब यहाँ इस फिगर में समझिए, इस फिगर में समझिए कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा, देखिए इस पीक से इस पीक माने में इसका वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब ये कह सकते हैं इसको हम इस तरह से बनाएं, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा और इसका वेवलेंथ कम और इसका वेवलेंथ और कम, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। हम कह सकते हैं कि जो बीम है या न्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लैम्डा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी उसके वेवलेंथ से अपोजिट होगी, तो जितना ज्यादा जिसकी वेवलेंथ होगी उसकी उसकी क्या होगी, एनर्जी यानी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा एनर्जी है कि आपके स्किन को भी जला सकती है। तो आपने पढ़ा होगा लाइट के बारे में, विद्युत पढ़ा है, विद्युत सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली किरणें कौन सी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो विद्युत में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी न्यू किसकी होती है, वायलेट की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, रेड। ऊपर से नीचे आने पर फ्रीक्वेंसी घटती है, यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और वेवलेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ सबसे कम किसका है, वायलेट का, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है, रेड। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी वेवलेंथ सबसे कम। ये दो चीज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में दो सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि एक सवाल ये कि जब सूरज सुबह उगता है और सूरज जब शाम को डूबता है तो उसकी रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उस समय वो पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है, और सबसे अधिक दूरी में होने का मतलब है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और जब वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो रंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे कम। देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा सबसे कम और कलर क्या है, उसी तरह से जब एकदम खड़ी दोपहर को, जब एकदम दोपहर में सूर्य एकदम ऊपर होता है उस समय आप सूर्य को देख भी नहीं सकते क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय वेवलेंथ सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे ज्यादा। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, कभी आप चूल्हे में खाना बनाइए और कभी आप गैस में खाना पकाइए एलपीजी में, तो जो चूल्हे में खाना पकाते हैं उसकी लकड़ी लाल जलती है, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, उसमें खाना देर में पकता है। अगर आपने दाल पकाया है चूल्हे में एक घंटा लगेगा तो गैस में 10 मिनट लगेगा, क्योंकि गैस को किस कलर जलता है, गैस जलता है वायलेट कलर, और वायलेट कलर की सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, खाना जल्दी पकता है, और चूल्हे की कलर आग क्या होती है, लाल, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम है। तो ये विद्युत है ना पूरी थ्योरी, बैनियाम पिनाला, यानी विद्युत, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड है। तो ये हमने दो चीज समझा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में दो चीजें होती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हमने इसकी बात की। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इन सबको नोट्स बना के लिखते चलिए अपने हिसाब से, आप नोट्स अवेलेबल कराना थोड़ा सा कठिन काम है, समय लेकर कराऊंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब हमने बताया कि हमने कहा कि भैया हम टार्च मारते हैं और टार्च मार के हम पता कर लेते हैं कि किसी भी सर्फ पर कंसंट्रेशन कितना है,
तो ये क्या पॉसिबल है, क्या ये चीजें हो सकती है। हमारा ये सैंपल है और इस पे हमने लाइट मारा इस तरह से और ये लाइट इस तरह से पास हुई और हमने बता दिया इसका कंसंट्रेशन क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब एक बार स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब क्या हुआ, डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट्स। अब ये कैसे हो सकता है, इसकी अगली हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे ऐसा होता है। देखिए बहुत ध्यान से बात समझिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम। ध्यान दीजिएगा दो वर्ड मैंने बोला है, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए जैसे कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये समझिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जो कि हमारे सैंपल में भरे हुए, तो इस मॉलिक्यूल के साथ क्या है, दे आर इन द ग्राउंड स्टेज। किस स्टेज में है, ग्राउंड स्टेज। और जब हम इस सैंपल के ऊपर लाइट पास करेंगे तो मैंने यहां से क्या कहा कि लाइट के अंदर क्या होती है एनर्जी, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो ये एनर्जी क्या ये पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, बिल्कुल एब्जॉर्ब करेंगे। और ये जब पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे ये क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अपने लेवल को एक्साइटमेंट करेंगे और ये पहुंच जाएंगे कहां पे, ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, अब इसको ध्यान समझिएगा कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेज एंड व्हाट इज द एक्साइटेड स्टेज। इसको इस तरह समझिए कि जैसे कोई बंदा शांति से बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा, शांति से बैठा है, वो सुस्त है, मतलब वो ग्राउंड स्टेज है। अब आप उसके पास जाइए और अपनी वॉइस की एनर्जी उसको देना शुरू कीजिए। कैसे, उसको गरियाइए, उसको दुनिया में निकालिया दीजिए, उसको खुशिए, उसको परेशान करिए। जब आप गाली देंगे तो लोग बैठा रहेगा, वो तुरंत उठेगा, डंडा लेकर तुमको दौड़ा लेगा। तो जब बैठा था तो ग्राउंड स्टेट में था और जब डंडा लेकर दौड़ाया तो किस स्टेट में गया, एक्साइटेड। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, शांत है सैंपल में तो ग्राउंड स्टेज में है, और जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब किया ये क्या आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेज में। और जब ग्राउंड से एक्साइटेड में जाते हैं तो इन्होंने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। इस समय में क्या हो रहा है, इस समय में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ध्यान समझिएगा, इस समय में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इन्होंने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। उसके बाद तुमको डंडा लेके दौड़ाया, तुमको नहीं पाया, शांति से आके फिर से बैठ गए। यानी कि उस देर अपनी एनर्जी खर्च की, दौड़ने में एनर्जी खर्च की, जब एक्साइटेड स्टेट में गया एनर्जी खर्च की, नहीं पाया तो आके शांति से बैठ गया। उसी तरह से मॉलिक्यूल हमेशा नहीं होते एक्साइटेड स्टेट में, थोड़ी देर के होते हैं और जब इनका काम खत्म हो जाता है तो ये वापस लौट आते हैं, कहां पे वापस लौट आते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो ये देखिए कि जब यहां से यहां गया तो कुछ एनर्जी को अवशोषित किया, और जब यहां से यहां आएगा तो कुछ एनर्जी को खर्च करेगा। भाई दौड़ा, थक गया, बैठ, एनर्जी खर्च किया। यदि जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड से ग्राउंड में आते हैं तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसे कहते हैं एमिशन। क्या कहते हैं, एमिशन। अब आपको दो वर्ड याद हो गया, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द एमिशन। जब कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है, दिस इज कॉल्ड एमिशन। तो किसी मॉलिक्यूल ने कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया अगर हमने ये पता कर लिया तो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और किसी मॉलिक्यूल ने कितना एनर्जी रिलीज किया अगर हमने ये पता कर लिया तो दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमारा चैप्टर पहला है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो किसपे बेस्ड है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे आईआर एनएमआर, वो किसपे बेस्ड रहेगा, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों पार्ट हम क्लियर हो गया, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज एनालिसिस। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसमें रटना कुछ नहीं है, थ्योरी कुछ नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे काम करता है और एमिशन कैसे काम करता है। तो हमने क्या किया, जब हमारे पास सैंपल है, ध्यान समझिए, हमारे पास ये सैंपल है और हमने यहां से कुछ लाइट सोर्स पास किया, ये लाइट यहां से पास हुई। अब एक चीज समझते हैं कि कैसे हमको मालूम चलेगा कि एब्जॉर्प्शन स्टार्च मार के कैसे हमको मालूम चलेगा कि सैंपल कितना है, ये इसको कहानी को समझिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए क्या है, समझिए, जैसे एग्जाम्पल दोनों में आपसे फिर छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेरा, तो उस कमरे में कुछ लोग बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं मुझे उसका पता नहीं। और हमने एक ट्रे में करीब 50 समोसा भर के अंदर भेजा और सबसे मैंने कहा कि 2 समोसा ले लें,
और जब लौट के मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे ट्रे में 20 समोसा बचा है, यानी हमने 50 समोसा भेजा था, 20 समोसा बचा है, एक बच्चा दो समोसा खाएगा तो कुल कितने बच्चे अंदर है? समोसा कितना खर्चा हुआ? अरे 50 में 20 आए, 30 खर्चा हुआ, पर एक बच्चा तो खाया, तो बच्चे कितने हैं? यानी हमको पता कैसे चल गया? हमने बच्चे नहीं गिना, लेकिन समोसा के एंट्री के हिसाब से समझ गए कितने बच्चे हैं। उसी तरह से जब हमने जो लाइट भेजा, ध्यान समझिएगा, जो लाइट हमने अंदर भेजा उसकी उसकी कंसंट्रेशन, उसका एफिशिएंसी, उसका कंसंट्रेशन हमको पता है, उसका यानी हमको उसकी एनर्जी वेवलेंथ पता है, और जो लाइट बाहर निकली उसका भी हमको पता है। तो अच्छा ये बताइए कि जब यहां से लाइट भेजेंगे और जो लाइट बाहर निकलेगी तो कुछ लाइट में कमी आएगी उसके कंसंट्रेशन में, क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पार्टिकल जो बीच में है वो लाइट को एब्जॉर्ब तो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्टिकल बीच में ये लाइट को एब्जॉर्ब कर, समोसा क्यों कम हो गया? क्योंकि कमरे के अंदर बच्चे थे जो खा लिए। उसी तरह से यहां पे जो लाइट भेजी और यहां पे जो लाइट निकली इसे कहते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। ये जो लाइट बाहर निकल रही है इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस, ठीक है, TI बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट होती है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये ट्रांसमिटेंट रे है, तो इसमें कमी क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल है जो अब। अब आप ये समझिए कि अगर इस कमरे इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल होता तो कम लाइट एब्जॉर्ब करता, तो इनके और इनके बीच में डिफरेंस ये हमारा कह सकते हैं टी, ये हमारा है आई, मान लेते हैं ये हमारा रेडिएशन जो है इसको ए टी मान लेते हैं, इसको ए आई मान लेते हैं, ए इंसिडेंट और ए ट्रांसमिटेंस। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कम होगा, और इसके इसके बीच के डिफरेंस को ही एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, यानी इंसिडेंट रे और ट्रांसमिटेंस रे के बीच के डिफरेंस क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो अगर एक ही पार्टिकल है तो इनके बीच का डिफरेंस कम आएगा, तो एब्जॉर्प्शन का वो कम आएगा। अगर हम कहते हैं ज्यादा पार्टिकल है इसका मतलब क्या है कि ज्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा। कुछ क्लियर हो गया? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन का रिलेशनशिप है, एब्जॉर्प्शन का रिलेशनशिप किससे है? कंसंट्रेशन से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन से। इस में जितना ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा। कितना आसान है, और इसी पे पूरा बेस्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जितना भी जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स यहां पे होंगे उसका एब्जॉर्प्शन तो ज्यादा आएगा। तो हम एब्जॉर्प्शन को पता करके कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी, आसान है कि नहीं आसान है? किसी भी ड्रग का कंसंट्रेशन पता करेंगे किसकी हेल्प से? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किससे निकला? लाइट की हेल्प से। हमने लाइट मारा तो इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिट लाइट के बीच का डिफरेंस निकाल लिया, जो डिफरेंस है वही क्या है? एब्जॉर्प्शन है। और एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा, एब्जॉर्प्शन जितना कम कंसंट्रेशन होगा। उसी तरह से इंसिड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका प्रिंसिपल है कि इसमें क्या हो रहा है कि लाइट क्या करेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट एमिट करेगा, की बात क्या होगा? एमिट करेगा, यहां ज्यादा होगा यहां क्या होगा? कम। तो डिफरेंस उल्टा निकालेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे कब, तुमने पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हमने ये आपको कैसी लगी पहली क्लास, आपको यहां से समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, बताइएगा, आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ा पा रहा हूं तो फिर क्लास को डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो फिलहाल अगला लेक्चर हमारा है ईयर स्टैंडर्ड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, थैंक यू सो मच।